YouTube चैनल ई स्ट्रीम है, जिसमें हम अलग अलग तरह के इतिहास से संबंधित विषयों पर चर्चा करते हैं। मैं आपका होस्ट संदीप के कनिष्क फिर से स्वागत करता हूं आपका एक और नए टॉपिक को लेकर के। टॉपिक है वो रहेगा चैप्टर 3 का दूसरा टॉपिक, हम बात करेंगे उसके बारे में। हमारा विषय है इटली में ही पुनर्जागरण क्यों हुआ। पिछले लेक्चर में हमने पुनर्जागरण के उदय के कारण डिस्कस किए थे। आज हम बात करेंगे कि इतने सारे यूरोप के देशों को छोड़कर के सिर्फ इटली ही वो जगह क्यों बनी जहां पुनर्जागरण शुरू हुआ। तो उसके कौन कौन से कारण थे वो हम एक एक करके बात करेंगे उनके बारे में। इसमें सबसे पहला कारण है उदारवादी विचारधारा। इटली का जो समाज था वो काफी उदार था, लिबरल था, नए विचारों को लोगों ने जगह दी। यहाँ के जो समाज की हम बात करते हैं, दो वर्ग ज्यादा थे, एक नागरिक और एक योद्धा वर्ग। और जो बाकी देशों में जहाँ सामंत ज्यादा थे, तो सामंती व्यवस्था इटली में उतनी विकसित नहीं हो पाई। तो अधिकारों का जो बंटवारा है, शक्तियों का जो बंटवारा है, वो राजा, फिर नाइट और फिर कृषकों तक ही सीमित रहा। और सांस्कृतिक वर्ग और राजनीतिक सैनिक जिनके ऊपर आपके इन दोनों वर्गों का अधिकार रहा है, तो इस व्यवस्था ने भी जो है हम देख सकते हैं कि किस तरह से पुनर्जागरण शुरू किया। और यहाँ पर सामंती जीवन उतना विकसित नहीं हो पाया जितना कि बाकी देशों में रहा है। इसके साथ ही उत्तरी इटली में स्वतंत्र नगर राज्यों का उदय हो चुका था और वहां सामंती व्यवस्था उतनी सुदृढ़ नहीं थी। तो इसी वजह से सामंती व्यवस्था में जो प्रतिबंध लोगों के ऊपर थे वो इटली में हमें कम देखने को मिलते हैं। बाहरी लोगों के प्रति जो इटली के लोगों का नजरिया था वो भी अच्छा था। अगर हम बाकी देशों से कंपेयर करें तो इटली के लोगों ने बाहरी लोगों को या जो माइग्रेट होकर के इटली आए, जैसे कुस्तुनतुनिया का पतन हुआ, बहुत सारे लोग कुस्तुनतुनिया छोड़ करके यूरोप के देशों में गए, तो यूरोप के बाकी देशों ने बाहरी लोगों के प्रति कोई खास अच्छा रवैया नहीं अपनाया, ना उनको जगह दी। लेकिन इटली के लोगों ने उसका उल्टा किया, उन्होंने बाहर के लोगों को उनके नॉलेज को प्रेफरेंस ज़्यादा दी है। दूसरा कारण रहा है हमारा वो है व्यापारिक समृद्धि। इटली के लोग आपके आर्थिक रूप से संपन्न थे। वो किस लिए थे? क्योंकि वहाँ का व्यापार आपका उन्नत था। इटली की अर्थव्यवस्था का या अर्थव्यवस्था के तीन आधार माने गए हैं। पहला है विदेशी व्यापार, दूसरा है वहाँ का समृद्ध व्यापारी वर्ग और तीसरा है वहाँ का मध्यम वर्ग। इन तीनों ही तत्वों ने इटली के व्यापार को बढ़ावा दिया। मध्यम वर्ग की बात करें तो इसने पोप और सामंतों की परवाह करना छोड़ दिया था। जो उनके द्वारा प्रतिबंध लगाए जाते थे उसको मानने से इनकार कर दिया। और जो समृद्ध व्यापारी वर्ग था उसने साहित्यकारों और कलाकारों को आश्रय दिया, उनको पैसा दिया, उनके विचारों को लोगों के सामने लाने का कार्य इसी वर्ग ने किया है। व्यापारिक गतिविधियों से नगरों की स्थापना हुई और हम इटली के अंदर बहुत से ऐसे बड़े नगर देखते हैं जो उस काल में बने, जिसमें फ्लोरेंस एक बड़ा नगर था, वेनिस जो शिल्प कला के लिए या अन्य कलाओं के लिए प्रसिद्ध रहा है, और मिलान जो औद्योगिक इकाई के रूप में विकसित हुआ है। तो ऐसे ही बड़े नगर इटली में बने। एक और कारण रहा है वो है भौगोलिक वातावरण इटली का। अगर हम भौगोलिक स्थिति को देखें तो इटली को चारों ओर से सुरक्षा मिली हुई थी। आप इस एक 3D मैप में इटली की स्थिति को देख सकते हैं, चारों ओर से भूमध्य सागर है। तो व्यापार के लिए बंदरगाहें यहाँ थी, इसीलिए विश्व भर के व्यापारी व्यापार करने के लिए इटली आते थे और इन्हीं व्यापारियों की मदद से इटली संपन्न बना। और अपने साथ यही व्यापारी बाहर से कुछ नए विचार लाते थे, जिन विचारों को सुन करके उनके बारे में जानने का मौका इटली के लोगों को मिला, तो पुनर्जागरण आपका शुरू होता है।
इटली एक समय ऐसा आया जब व्यापार का केंद्र बन गया था, तो इटली के लोगों का एक तो भौतिक विकास हुआ, पैसा मिला उनको, और जब पैसा उनको मिलने लगा अन्य कलाओं के ऊपर भी उसको इन्वेस्ट उन्होंने किया, जिसमें संस्कृति आती है या दूसरी चीज़ें आती है, साहित्य आता है, तो उसका विकास भी साथ साथ में होता रहा। पोप का आवास आपका इटली में रहा है, क्योंकि पोप जो है वो पूरे विश्व में ईसाइयों का धर्मगुरु था, तो एक नेचुरल बेनिफिट जो है इटली को यहाँ मिलता है। हम बात करते हैं रोम की। रोम के अंदर ही वेटिकन सिटी है जहाँ पर पोप आपके रहते हैं। तो पोप भी अब पुनर्जागरण का हिस्सा बने। उन्होंने इसी भावना से प्रेरित होकर के अनेक विद्वानों और कलाकारों को रोम बुलाया, और उन विद्वानों से जो प्राचीन पांडुलिपियां थी यूनान की, उनको लैटिन भाषा में अनुवाद कराया ताकि आम लोग भी उनको पढ़ सकें। लौकिक शिक्षा पर भी बल दिया गया। अब नई शिक्षा आपके जन्म ले रही है। मध्यकाल में हम देखते हैं कि यूरोप में जो शिक्षा का आधार है वो धर्म है, शिक्षा का जो केंद्र है वो चर्च है, पादरी है, लेकिन इटली में अब जो है परिवर्तन आ रहा है। व्यापार के विकास के साथ एक नए प्रकार की शिक्षा की अवधारणा विकसित होती है, जिसने समाज में चेतना लाने का कार्य किया। इस नई शिक्षा में व्यावसायिक शिक्षा या व्यावसायिक ज्ञान को ज्यादा प्रेफरेंस दी गई, और भौगोलिक ज्ञान को इसमें स्थान मिला। तो भौगोलिक ज्ञान की वजह से ही नई नई खोजें या नए नए व्यापारिक मार्ग आपके ढूंढे गए। कुस्तुंतुनिया का जो पतन हुआ, उसने भी इस पुनर्जागरण के विकास में भूमिका निभाई, क्योंकि अनेक विद्वान जो कुस्तुंतुनिया छोड़कर के यूरोप के देशों में गए, खासकर के इटली में आए, अपने साथ पुरातन सामग्री लेके आए, और अनेक नगरों में इटली के वो बसे और उन पुरातन सामग्री की शिक्षा देने का कार्य लोगों को किया। प्राचीन यूनानी साहित्य की जो पांडुलिपियां ये विद्वान अपने साथ लेके गए थे, और जो उनमें ज्ञान था उस ज्ञान से इटली के निवासी अनभिज्ञ थे, तो नई नई चीजें सीखने को उनको मिली, नए नए विचार सुनने को मिले, और इससे इटली के लोग प्रभावित हुए, और उनके जो रूढ़ियां चली हुई थी समाज में वो भी आपके खत्म होती गई समय के अनुसार। तो इसी के साथ हमारा ये एक छोटा सा लेक्चर था, जिसमें हमने जाना कि किस तरह से इटली में ही पुनर्जागरण की शुरुआत कैसे हुई है। इस लेक्चर के साथ मैं आपका दोस्त संदीप के कनिष्क आपसे विदा देता हूँ, और आपसे निवेदन है कि इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद।